मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। वे इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम की मार एक बार फिर किसान को झेलनी पड़ी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसानों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच गई है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा दिया है कि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 80% अनाज पहले से कवर्ड परिसर में है, लेकिन जो ओपन में है उनको भी सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी जिले में जनहानि, पशुहानि या किसी प्रकार का नुकसान होगा तो सरकार उसके प्रति गंभीर है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी जिले में किसी किसान का कोई फसल का जनहानि का पशुहानि का किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसके प्रति गंभीर रहेगी, उसको मुआवजा दिलाया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूँ रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है उसको कवर्ड में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और जिस प्रकार का वैसे भी आपकी जानकारी है 80% से अगर पहले से कवर्ड में है, लेकिन जो ओपन है उसको भी हमने उनको सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार ने और अच्छे निर्देश जारी किए कि जो फसल आ रही थी चमक गेहूँ की कमजोर थी, किसी कारण से उनको खरीदने में कठिनाई आ रही थी, तफसीआई वगैरह की, वो निर्देश भी स्पष्ट हो गए हैं कि आप अपने किसानों को किसी प्रकार के कोई कष्ट ना आने दें। किसान के साथ सरकार खड़ी है, मुझे पूरा भरोसा है सरकार की भावना को समझ के किसान भी इस सारी व्यवस्था का लाभ ले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।